हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वर्कशीट नंबर GS3 फॉर जेनरिक क्लास 6। ओके, सो ये है योगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा आज का। सो अगर आप फर्स्ट डे इस चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप पहले से इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं योगा। लेट अस सी व्हाई योगा इज इम्पॉर्टेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, पिक एंड चूज फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। ठीक है, अब ये है योगा। ये एक लड़का है जो कि योगा कर रहा है, तो क्या क्या चीज़ें इससे रिड्यूस होती हैं, इम्प्रूव होती हैं, बैलेंस होती हैं, उनको इस बॉक्स को देखकर आपको फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। ओके, नेक्स्ट है रिड्यूस स्ट्रेस। ये क्या करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है। इम्प्रूव्स मेमोरी, जो हमारा मेमोरी लेवल होता है उसको ये क्या करता है, इम्प्रूव कर देता है। बैलेंस बॉडी एंड माइंड, यानी कि बॉडी एंड माइंड को ये बैलेंस करके चलता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। इम्यूनिटी, किसकी इम्यूनिटी, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसको क्या करता है, ये इम्प्रूव्स कर देता है। टोन्स द मसल्स, जो मसल्स हैं उसको क्या करता है, ये टोन कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी दिया हुआ है इसको देखकर आपको फिल करना है कि क्या चीज़ें इससे इम्प्रूव होती हैं और क्या चीज़ें इससे रिड्यूस होती हैं। आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हमारी खुद की अवेयरनेस को ये बढ़ाता है, हमारी जो मसल्स हैं उसको टोन करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारी मेमोरी लेवल को इंक्रीज करता है या इम्प्रूव करता है। फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की जो है उसको इंक्रीज करता है। बॉडी और माइंड को बैलेंस करके चलता है। साथ ही साथ जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, थिंक एंड राइट व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू योगा, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। ठीक है, तो योगा करने का टाइम क्या होता है, एक तो मॉर्निंग टाइम होता है, इवनिंग टाइम होता है, और इम्पटी स्टमक जितना योगा आप करते हैं वो ज्यादा ही बेनिफिशियल होता है। तो यहां पर मॉर्निंग, मॉर्निंग की स्पेलिंग क्या होती है, MO, एक मिनट ओ सही से बना देती हूँ, MORNING। ठीक है, ये हो जाएगा मॉर्निंग। इवनिंग, EVENING। ठीक है, तो ये हो जाएगा इवनिंग। स्टमक, इम्पटी, EMPTY, इम्पटी। स्टोमक, STOMACH, स्टमक। ठीक है, तो इम्पटी स्टमक हो जाएगा। तो मॉर्निंग MORNING, इवनिंग EVENING, इम्पटी EMPTY, STOMACH, इम्पटी स्टमक। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर, यानी कि मॉर्निंग में अगर हम मेडिटेशन करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इवनिंग करते हैं तो भी सही होता है, और इम्पटी स्टमक करते हैं तो अच्छा होता है। नेक्स्ट है, लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड बॉक्स एंड लर्न द पोज एज इंस्ट्रक्टेड। तो इस पोज को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं ट्री पोज। कैसा पोज दिख रहा है, ये ट्री पोज दिख रहा है, वृक्ष आसना बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एकदम स्ट्रेट स्टैंड होते हैं। तो यहाँ पर वन में आपको क्या फिल करना है, स्टैंड स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे स्ट्रेट। सेकेंड है, प्लेस योर राइट हील ऑन लेफ्ट थाई, स्ट्रेच योर आर्म्स अप एंड ज्वाइन, और हैंड को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, नंबर 3 पर हैंड्स, तो यहाँ पर लिख देना है आपको हैंड्स। होल्ड फॉर अ फ्यू ब्रीथ, ठीक है, हम क्या करते हैं, अपनी कुछ ब्रीथ को, यानी कि 4 नंबर पर इसको फिल करिए ब्रीथ, हम अपनी ब्रीथ को थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ट्री पोज को फिल कर देना है। नेक्स्ट आता है बटरफ्लाई पोज, इसको तितली आसना बोलते हैं। सिट स्ट्रेट, कैसे बैठना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है, तो नंबर 1 पर आप इसको फिल कर दें। पुट एवर फीट टुगेदर एंड नीज आउट टू द साइड, होल्ड द फीट विद एवर हैंड, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फीट कर देंगे। ठीक है, ये नंबर 3 पर आ जाएगा। फ्लैप द नीज लाइक अ बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई की तरह अपनी घुटनों को जो है उसको ऊपर नीचे उठाइए, जैसे बटरफ्लाई उड़ती है तो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, बटरफ्लाई। ठीक है, तो नोट कर लेना है आपको, आई होप ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट 3 मोर योगा पोजेज एंड राइट देयर नेम बिलो, ट्राई देम एंड सेंड योर पिक्चर्स टू। तो क्या क्या कर सकते हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए प्राणायाम, PRA प्राणायाम,
प्राणायाम है क्या जिसमें हम ब्रीथिंग को होल्ड करते हैं, ठीक है, रिस्ट्रेन ऑफ ब्रीथ, ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्रत्याहारा, क्या है, प्रत्याहारा, इसको प्रत्याहार बोलते हैं, ठीक है, प्रत्याहारा या प्रत्याहार बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं उसको हम कंट्रोल में करते हैं। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार, क्या है, सूर्य नमस्कार, इस तरीके से आपको इन थ्री योगा के बारे में लिख लेना है, प्राणायाम, प्रत्याहार, सूर्य नमस्कार, ये सब कुछ योगाज हैं, योगा की पोजेज हैं, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, अपनी अपनी पिक्चर्स इस पर कर लेना है इन योगाज पे और उसको अपने टीचर्स को सेंड कर देना है, ओके। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।